हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है। मुझे पता नहीं कि जब बीसीसीआई एक तो सबसे ज्यादा लेट आपने शेड्यूल दिया है वर्ल्ड कप का, जो कि आपको लगभग में 7-8 महीने पहले भेज देना चाहिए था, शेड्यूल जारी कर देना चाहिए था, तो जारी किया आपने नहीं, ठीक 3 महीने पहले आपने शेड्यूल जारी किया है और उसमें भी अब जो है चेंजेस पर चेंजेस होने हैं। जो मुकाबला अहमदाबाद में होने वाला था संडे को 15 अक्टूबर को, अब वो 14 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान वाले मुकाबले में बदलाव है और आज एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो 12 नवंबर को मुकाबला होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड का कोलकाता में, वो मुकाबला उसका भी डेट जो है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने कैब यानी कि बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन को जो है उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है कि देखो 12 नवंबर को जो है काली माता का पूजा होता है और भव्य तरीके से होता है, धूमधाम तरीके से होता है, ऐसे में सिक्योरिटी कंसर्न है वहां पे और बहुत ही मुश्किल हो जाएगा पुलिस को संभालना, क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला है, इंग्लैंड टीम आमने सामने होंगी दोनों टीमें और उसके अलावा पूजा भी है वहां पे, तो पुलिस कहां कहां देखे, मैच देखे या फिर इधर पूजा को देखे, तो ऐसे में साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है कि भाई कुछ तो करो, ये डेट में बदलाव करो या जो करना है करो, लेकिन बहुत ये नाजुक स्थिति हो जाएगी। और आपको भी पता है हिंदू फेस्टिवल पे पुलिस जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहती हैं, अपनी फैमिली से दूर रहती हैं और उनको सिक्योरिटी देना पड़ता है और वो देखते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, तो ऐसे में वर्ल्ड कप का मुकाबला भी उसी दिन हो और उसी दिन जो है हिंदू फेस्टिवल भी हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा मुझे ये लग रहा है कि जब एक साल पहले ही हम लोगों को पता चल जाता है कि अगले साल जो है कौन कौन सा फेस्टिवल किस डेट को होने वाला है, बहुत महीना पहले ही पता चल जाता है, तो भाई बीसीसीआई कौन सा माल फूंक के शेड्यूल बना रहा था, कौन सा गांजा उन्होंने फूंका था कि उनको पता नहीं था कि भाई इस दिन जो है नवरात्रि का पहला दिन है और इस दिन जो है काली पूजा है। अब ये तो अपना बेइज्जती करवाना ही हुआ ना एक तरीके से। आप दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट बोर्ड कहलाते हो, लेकिन आपके पास इतने ब्रेन्स नहीं है, इतने लोग नहीं है कि वो इन तमाम चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत बड़ा टूर्नामेंट है भाई। लास्ट टाइम जब इंग्लैंड कराया था उन्होंने 7-8 महीने पहले उन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया था, शेड्यूल रिलीज कर दिया गया था, यहाँ 3 महीने पहले शेड्यूल रिलीज किया गया है और उसके बाद उसमें भी फेरबदल देखने को मिल रहा है, तो भाई कहीं आपका ये तो प्लान नहीं है कि यहां से चेंजेस करके जो है कल को जाके यूएई बोल दो कि नहीं यूएई में सारे मैचेस कराएंगे। मतलब मजाक ही हो रहा है ना भारतीय फैंस के साथ और जितने भी क्रिकेट प्रेमी है उनके साथ तो मजाक हो रहा है। पता चले कि जब टूर्नामेंट शुरू हो उससे पहले 2-4 दिन पहले कुछ खबर आ जाएगी भाई यहां पे नहीं होगा तो चलो यहां से हटा के कहीं और कर देते हैं। ये कोई बायलेटरल सीरीज नहीं हो रही है, ये वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप। और बीसीसीआई दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड है भाई, सबसे अमीर बोर्ड, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला बोर्ड है, और जब पैसा कमाते हो तो क्या दिमाग बेच के रख दिए हैं सबके सब। आपको पता नहीं था कि काली पूजा किस दिन है, आपको पता नहीं था कि नवरात्र का पहला दिन किस दिन है, आपको दिवाली किस दिन है, दशहरा किस दिन, आपको पता नहीं था, सब पूरी दुनिया को पता है, सबको पता है भाई, कैलेंडर उठाने की दिक्कत थी आपको, बस कैलेंडर उठा लेते आपको पता चल गया हुआ रहता, लेकिन बीसीसीआई के पास इतना फुर्सत कहाँ, आपको तो आईपीएल करा के बस पैसा लूटना है, उसके बाद बस आईपीएल में आईपीएल का शेड्यूल देखो तुरंत जारी कर दिया जाएगा, लेकिन जब वर्ल्ड कप का शेड्यूल मांगो तो उसमें मौत आने लगती है सबको। 3 महीने 2 महीने पहले आप शेड्यूल रिलीज की हो उसमें भी इतनी ज़्यादा गड़बड़ी, तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। आप अपनी फजीयत करा रहे हैं, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है ऐसा वैसा, पूरा पाकिस्तानी मजाक उड़ा रहे हैं भाई, तुम्हारा बोर्ड कैसा है, दुनिया वाले मजाक उड़ा रहे हैं, अपने आप को दुनिया के सामने मजाक बना के रख दिया है ना एक तरीके से कि फेरबदल यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, और ऑफिशियल अभी तक कोई जारी नहीं हुआ है। क्या प्रेसिडेंट जो है स्नाशिस गांगली, सौरभ गांगली के भाई हैं, उन्होंने बोला है कि अभी तक पुलिस ने मुझे, प्रेसिडेंट भी है बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के, उन्होंने बोला है कि मुझे अभी तक कोई खबर नहीं मिली इस बारे में, इन्फॉर्म नहीं किया गया है और इन्फॉर्म किया जाएगा तो मैं आईसीसी को रिपोर्ट करूंगा बीसीसीआई के द्वारा, उन्होंने यह बात बोली है। लेकिन खबर तो कहीं ना कहीं से लीक हुई है ना, जब खबर लीक हुई है तो बात में सच्चाई है, ऐसे थोड़ी है कोई फेक खबर फैला देगा कि भाई पुलिस ऐसा, सिक्योरिटी कंसर्न ऐसा वैसा, जब बात है बात निकल कर सामने आई है
आज छुपाओ, कल छुपाओ, परसों छुपाओ, लेकिन काली पूजा तो होना ही है ना 12 नवंबर को, काली पूजा तो होना ही है, उस दिन मैच भी होना है, तो फैसला आपको करना है कि क्या करना है नहीं करना है। अब देखे क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। लेकिन जो भी हो रहा है बहुत फजीहत करवा रहा है बीसीसीआई अपना। धन्यवाद।